हाय गाइस, क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। पहला है, ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स ऑफ डीएनए कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द जेल व्हेन एक्सपोज टू यूवी लाइट। ये बात बिल्कुल ठीक है, जब हम यूवी लाइट डालते हैं तो हमें डीएनए के ऑरेंज कलर के बैंड देखने को मिलते हैं, ये ठीक लिखा हुआ है। लेकिन हमें बताना है नॉट ट्रू, गलत कौन सा है। दूसरा है, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड्स फ्रॉम जेल इज कॉल्ड इलूशन। ये बात भी ठीक है, साफ साफ एनसीईआरटी में ऐसी लाइन लिखी हुई है। फिर है, द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स आर स्टेन्ड बाय यूजिंग इथिडियम ब्रोमाइड। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम जब जो डीएनए फ्रेगमेंट हैं उन्हें सेपरेट करने के बाद स्टेनिंग करते हैं ना इथिडियम ब्रोमाइड से, उसके बाद यूवी लाइट डालते हैं, तब हमें ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स देखने को मिलते हैं। लास्ट स्टेटमेंट है, द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर डीएनए बैंड्स ऑन द जेल। ये बात गलत है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ब्लू कलर डीएनए बैंड्स, इस वजह से ये बात हो गई गलत, और हमें गलती बताना है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर जो है क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। ऊपर देखिए ब्राइट ऑरेंज कलर का स्टेटमेंट दिया गया है आपको, जब ये करेक्ट है तो ब्लू कलर वाला कहाँ से आ गया, ये तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट जाएगा। थैंक यू।